अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ानुल मुबारक अपनी रहमतों और बरकतों के साथ जारी है और मज़े मज़े के हम पकवान बना रहे हैं। इफ्तारी में बहुत अच्छा अहतमाम हो रहा है, सहरी में बहुत अच्छा अहतमाम हो रहा है और हमारी कोशिश है कि हम न्यू रेसिपीज़ आपसे शेयर करें। और साथ ही हमारे घर में आई है लिटिल शेफ़ की बर्थडे और अब हम सोच रहे हैं कि क्या ऐसा करा जाए जो ज़बरदस्त यूनिक हो और रमज़ानुल मुबारक में इफ्तार के बाद एक छोटी सी बर्थडे पार्टी जो कि उनकी फ्रेंड्स आ रही हैं उसकी प्रिपरेशन हम कर लेते हैं। कुछ इसी तरह का प्रोग्राम हमने बनाया है और उसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपसे शेयर करेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं और आपको अपने साथ रखेंगे। तो देखते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में अगर कोई इस तरह का इवेंट आए तो उसको किस तरह मैनेज करते हैं और क्या हम छोटी सी बर्थडे पार्टी करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ ही रहिएगा। जी फ्रेंड्स, लिटिल शेफ की बर्थडे की तैयारी में स्पेशल से ज़बरदस्त से बीफ कबाब, शामी कबाब तैयार हो रहे हैं और मसाला वगैरह हमने तमाम रेडी करके आपको दिखा रहे हैं। रेसिपी चैनल पे अपलोड है और हम आपको प्रिपरेशन दिखा रहे हैं शामी कबाब ज़बरदस्त से चटपटे से, और हमने अब बना लिए हैं तो ईद की दावतों में भी यही काम आएंगे। हम यही करते हैं कि खट्टे शामी कबाब बना लेते हैं और फ्रीज़ कर देते हैं, हर घर में यही होता है। तो आज तो लिटिल शेफ़ की बर्थडे है तो ख़ास तैयारियां चल रही हैं और बस अब हम आपको दिखाते हैं इसको फ्राई करते हुए, और ज़बरदस्त से फ्राई हो रहे हैं। और हमने क्या क्या रिफ़्रेशमेंट जो है वो बाज़ार से मंगवाया है, ये देखिए फ्रेंड्स, ज़बरदस्त सी चॉकलेट पेस्ट्रीज हैं, इसके अलावा बिस्किट हैं, हमारी तैयारी कंप्लीट है, चिप्स हैं और निम्को है, और हमारी लिटिल शेफ़ बहुत खुश होने वाली हैं। और ये कुछ चॉकलेट्स हैं जो ये अपनी फ्रेंड्स को देंगी और बस अब हम जल्दी से जो है वो इनके केक कटवाने की तैयारी करते हैं। और ये देखिए इनकी फ्रेंड्स जो हैं वो सामने, और इनके पप्पा इनसे केक कटवा रहे हैं और सब इनको विश कर रहे हैं, और कुछ गिफ्ट्स हैं। ये देखिए फ्रेंड्स गिफ्ट भी खोल रही हैं। छोटी सी हमारी बर्थडे पार्टी घर घर में हो गई और लिटिल शेफ की छोटी छोटी सी फ्रेंड्स आ गई हैं। अच्छा दिन गुजरा, अच्छी बर्थडे पार्टी हुई। आपसे चाहूँगी इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।